आज बहुत ही मजेदार रेसिपी हम देखेंगे। ये है ब्रेड की रसमलाई, है ना। दिखने में बिल्कुल ओरिजिनल रसमलाई जैसे दिखती है, बहुत ही फटाफट ये बनती है और टेस्ट में बहुत बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। ये देखिए इसका टेक्सचर देखिए, बिल्कुल रसमलाई के जो बॉल्स है उसके जैसे ही इसका टेक्सचर आता है। जस्ट फॉर फन ऐसे आप एक बार ट्राई करके देखिए, आपको भी ये पसंद आएगी। लेकिन रेसिपी शुरू करने से पहले, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। यहाँ पर मैंने 1 लीटर दूध लिया है, अगर फुल फैट क्रीम है तो बहुत बढ़िया है, इसकी मलाई जल्दी आएगी। अब मैं यहाँ पे नॉनस्टिक वेसल का इस्तेमाल कर रही हूँ, वरना आप अगर रेगुलर कोई कढ़ाई लेते हो तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, बस 1 या 2 चम्मच, इससे दूध नीचे चिपकेगा नहीं। अब दूध में जैसे ही उबाल आ जाए हम इसमें डालेंगे चीनी। ये दूध हमें उबाल कर 1/4 क्वांटिटी कर देनी है, तो उस हिसाब से आप चीनी डालिए। पहले ही बहुत ज्यादा चीनी ना डालिए, केसर के धागे डाल देंगे, इससे फ्लेवर तो आएगा ही, साथ ही में ब्यूटीफुल सा येलो कलर भी आ जाएगा। अब बारी आती है इसमें ड्राई फ्रूट्स डालने की, तो थोड़ा सा दरदरा सा कूट लिया है मैंने कैश्यू, और बादाम मैंने कट कर लिए हैं लंबे लंबे साइज में। सेम तरीके से मैंने पिस्ता भी कट कर लिया। अब ये थोड़े थोड़े जो मैंने बचा लिया ये लास्ट में मैं इस्तेमाल करूंगी गार्निशिंग के लिए। साइड में जो मलाई आती है ना वो बीच बीच में स्क्रैप करते रहिए, क्योंकि उसी से वो टेक्स्चर आएगा आपकी रसमलाई को। फ्लेम आपको फुल रखनी है और वहीं पर खड़े रहना है पूरी रेसिपी आपकी जब तक रेडी ना हो जाए, क्योंकि दूध बहुत जल्दी उबल कर बाहर आ जाता है, इसलिए आपको वहीं पर खड़े रहना है। ये देखिए कलर आपका एकदम ही अच्छे से चेंज हो जाएगा अगर आपने केसर इस्तेमाल किया है तो। थोड़ा थोड़ा ये अभी गाढ़ा होने लगा है, हम इसे और थोड़ा सा गाढ़ा कर लेंगे। ये देखिए मलाई इसमें दिखने लगी है। जब तक 1 लीटर दूध 1/4 ना हो जाए, यानी कि 1/4 ना हो जाए, तब तक आपको इसे उबाल लेना है। अब 2-3 स्लाइसेस ले लेंगे ब्रेड के, व्हाइट ब्रेड ही इस्तेमाल करें इसमें, ब्राउन ब्रेड बिल्कुल ना इस्तेमाल करें। और किसी कटोरी या ग्लास की हेल्प लेकर इस तरह से इसे कट कर लें। ब्रेड के बीच में जो होल्स होते हैं ना, इससे बहुत ही अच्छा टेक्सचर आता है, एकदम रसमलाई की तरह इसका टेक्सचर आता है। आप इसे एक बार ट्राई जरूर करना। इतनी क्वांटिटी के लिए ना 3 ब्रेड काफी हो गए, क्योंकि मैंने इसे बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है। अगर आपकी कटोरी छोटी है तो आप 4 से 5 पीसेस ले सकते हो। ये जैसे ठंडा होता जाएगा वैसे ही यह गाढ़ा होता जाएगा। इसमें ये ब्रेड के टुकड़े मैंने डाल दिए है और इसे हम पलट लेंगे दोनों साइड से। जब ये कोट हो जाए तब 2-3 मिनट के लिए बस इसे हमें दूध के अंदर छोड़ देना है, ताकि दूध अंदर थोड़ा सा एब्जॉर्ब हो जाए। बहुत ज्यादा देरी से नहीं छोड़ेंगे। और ध्यान रखिए दूध जब रूम टेम्परेचर पर आए तभी आपको ब्रेड डालना है उसमें। अगर आप पहले ही डाल दोगे गर्मा गर्म दूध में तो ब्रेड उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। अब बारी आती है इसे सर्व करने की, है ना। दिखने में ही इसका जो टेक्सचर है बहुत ही बढ़िया आ रहा है और एकदम फटाफट से ये रेसिपी बनती है। बच्चों को तो ये पसंद आएगी, मुझे भी ये पर्सनली बहुत पसंद आई। इसको हम गार्निश करते हैं ड्राई फ्रूट्स डालकर। अब ये ओरिजिनल रसमलाई से तो हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, वो तो अलग ही लगेगी, ऑब्वियसली पनीर से बनती है। लेकिन ब्रेड वाली भी रसमलाई बहुत अच्छी लगती है, आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। ये देखिए ठंडी होने के बाद इसे सर्व कीजिए तो मजा दुगना हो जाता है। परफेक्ट फ्रेंड्स, ऐसे ही इंटरेस्टिंग रेसिपीज के लिए आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को शुगर मल्टीवर्स। यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।